अरोही बेटा, तुम तो जानती हो ना कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है और फिर भी तुम ये ऐसी बातें कि तुम्हें जरूर किसी तुम्हारे फ्रेंड ने बर्गर लाया है और ये कैसे ड्रेस अप वगैरह आपने किया हुआ है, ये देखो कि तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे। बेटा तुम जानते हो ना हम लोग कैसे घर से हैं और हमारी कैसे सोसाइटी है, और तुम ऐसे अगर घूमोगे ऐसे करोगे तो कोई क्या कहेगा। अभी खन्ना अंकल है ना, उनकी जो बराबर वाली पड़ोसन है, आपको पता है वो हम आपके बारे में कैसे कैसे बोलती हैं, और मैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरे बच्चे के बारे में एक शब्द भी बोले, वो मुझे पसंद नहीं है। आप नेक्स्ट डे से ये बिल्कुल ड्रेसअप चेंज कर दोगे, ओके। मैं अभी आपको बहुत पोलाइटली बोला, अभी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो कर, समझ रहे हो ना जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ, अंडरस्टैंड। और ये जो ग्रुप आपका है ना, इसको आप बिल्कुल छोड़ दोगी कल से, समझ में आई आपको। और भल्ला अंकल भी ने भी आपसे शिकायत की थी आपकी कि आप, मैंने सुना है किसी लड़के के साथ घूम रही थी बाइक पे, आपको पता है कितना गलत इंप्रेशन पड़ता है। बेटा ऐसे नहीं करना प्लीज, ये आपकी नहीं हमारी भी रैप होगा, हमारे संस्कार पता चलते हैं कि हमने आपको कैसे संस्कार दिए हैं। चार लोग देखते हैं जब आप निकलते हो, किसी से बोलते हो, किसी से कैसे आप क्या बिहेव कर रहे हो, तभी तो पता चलता है कि आपके घर के क्या संस्कार है आपके लिए। ऐसे नहीं करना प्लीज़ बेटा, ये आपके पापा की भी, मम्मी की और हमारे सभी की, जितनी भी रैपो है ना वो आपके हाथ में, क्योंकि एक लड़की, कहते हैं कि लड़का और लड़की समान होती है, पर नहीं बेटा, लड़के को कोई उंगली नहीं उठाता, लड़की को हमेशा उंगली उठाई जाती है, क्योंकि वो एक औरत है। औरत ही दो घरों का सम्मान होती है, इस देश का सम्मान है, क्योंकि वो औरत है। औरत ने ही सब चीज़ औरत से ही है, माँ बहन बेटी और जितने भी रिश्ते हैं वो एक बेटी से है। तो तुम्हें आज बेटी हो, कल तुम्हें सारे रिश्ते निभाने बेटा, तो मैं आपको जो संस्कार दूंगी वो आपको आगे फॉलो करने, वही दिखेगा कि मैंने आपको क्या संस्कार दिए। ठीक है बेटा, कल से आप